हमारे चैनल डॉक्टर तातेज होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहा। यहाँ भी बारिश का मौसम चालू हो गया है। एक तरफ बारिश का ठंडा ठंडा मौसम, उसी के साथ साथ उसके साथ आने वाला टेम्पटिंग फूड, लेकिन इसी के साथ आने वाली बहुत सारी बीमारियाँ जो कि बारिश के मौसम की उच्च आर्द्रता के कारण और तापमान में होने वाले बदलाव के कारण होती है। तो चलिए जानते हैं इस मौसम के बारे में और इस मौसम में होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, जो कि सर्दी जुकाम भी बहुत ही कॉमन होता है, देखते हैं इसके बारे में। पहले जानते हैं कि ये बीमारियाँ होती क्यों हैं। तो उच्च आर्द्रता, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो तैयार होता है उसकी वजह से, या टेम्परेचर वातावरण में जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, बहुत गर्म बहुत ठंडा, इसकी वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये परेशानियाँ जो हैं वो होती हैं। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए आपको स्वच्छता बहुत रखनी है। जैसे आपके हाथ बार बार धोना है आपको, जिसके लिए आप साबुन से हाथ धोना है, सिर्फ पानी से नहीं। दूसरी, अगर आप बारिश में भीगते हैं तो अपने आप को जल्दी से सूखा करें और सूखे कॉटन के कपड़े पहने। अगर बहुत ज़्यादा ठंड लगी है तो उस बाल अगर गीले हैं तो उन्हें सूखा करें। बहुत ज़्यादा गीले में आपको नहीं रहना है। उसी के साथ साथ आपको आपका आहार में जो है उसके ऊपर भी फोकस करना है। गर्म खाना, ताज़ा खाना, संतुलित खाना खाना है। बाहर का, स्पेशली बहुत अनहाइजीनिक प्लेस अगर है या बहुत क्राउडेड प्लेस पे है, वहाँ पे खाना अवॉइड करना है। हाइजीनिक प्लेस से ही आपको खाना जो है वो लेना है। इसी के साथ साथ पानी की मात्रा भी आपको भरपूर लेनी है, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और संक्रमण अगर कुछ हो भी रहा है तो वो बॉडी से निकल जाए। अगर ये सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको परेशानी हुई है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वायरल इन्फेक्शन अपने आप ही 3-4 दिन में वैसे तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर होते ही हैं तो आप इसमें गर्म पानी के गरारे करिए, नमक डाल के गर्म पानी पीए, हर्बल चाय ले सकते हैं, काढ़े ले सकते हैं, गर्म गर्म सूप पी सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है गर्माहट महसूस होगी और ये इन्फेक्शन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ अगर इसके बाद भी अगर आपको ये परेशानियाँ होती हैं, तो एक हफ्ते से ज़्यादा अगर ये परेशानी रहती है तो इसमें बुखार आ सकता है, बदन दर्द हो सकता है और दूसरा भी किसी बीमारी की संभावनाएँ इसमें होती है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए उससे आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानते हैं जो इस मौसम में बहुत कारगर होती हैं, जैसे कि डलका मारा हो गया, एकोनाइट हो गया। अगर ये पहले ही स्टेज में पेशेंट को दिए जाते हैं तो जो इस बीमारी का रोकथाम है पहली स्टेज में हो जाती है। रस्टॉक्स जैसी दवाइयाँ जो होती है वो इस मौसम में होने वाली बीमारियों में, सर्दी खांसी में बहुत रामबाण उपाय करती हैं। अगर बहुत पीली बलगम वाली खांसी आती है, लक्षण बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, पेशेंट को बहुत गर्मी महसूस होने लगती है, तो पल्सेटिला बहुत अच्छे काम करती है। बहुत ज़्यादा अगर सूखी खांसी आती है तो इसमें ब्रायनी और स्पॉन्जिया जैसी मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इन मेडिसिन का जो सेवन होती है एक विशिष्ट मात्रा में ही आपको करना होता है। अगर वो लेने के बाद आपको अच्छा ठीक नहीं लग रहा है तो आपको आपके प्रशिक्षित डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, जो आपको इसकी डोजेज जो है वो विशिष्ट मात्रा में ही देंगे, जिससे इससे होने वाले दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये वर्षा ऋतु जो है वो आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए और आप हमेशा स्वस्थ रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से मैं विदाई लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।